Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ इस पैलेट का रिव्यू. ये है मोर्फी का द जैकलिन हिल पैलेट. इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इसका पूरा रिव्यू शेयर करूंगी, किस तरह से इसकी पिगमेंटेशन है, कितने कलर आपको मिलते हैं, इसका MRP क्या है और इसके स्वेचेस भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट. बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोर्फी का ओरिजिनल पैलेट नहीं है. दिस इज अ ड्यूप पैलेट और उनकी पूरी तरह से कॉपी किया हुआ है. तो पूरे कलर और उनकी पैकेजिंग पूरी तरह से कॉपी की हुई है. सो या दिस इज अ ड्यूप पैलेट, नॉट अ ओरिजिनल पैलेट. सो नाउ बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की. तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग का है. व्हाइट कलर की कार्डबोर्ड की इसकी पैकेजिंग है और इसके अंदर होता है पैलेट. आप देख सकते हो बबल रैप में मुझे रिसीव हुआ है. बहुत ही अच्छे सेफ तरीके से इसकी पैकेजिंग की हुई है. सो या आप देख सकते हो दिस इज अ पैलेट और आप देख सकती हो कि पैलेट पे लिखा हुआ है द जैकलिन हिल पैलेट मोर्फी और ये बिल्कुल उनकी पूरी ओरिजिनल की कॉपी किया हुआ है. और मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ. सो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का पैलेट है और पैलेट पे ये लिखा हुआ है दिस पैलेट इज डेडिकेटेड टू ऑल माई लविंग सब्सक्राइबर एक्सो जैकलिन. और इसमें आपको ये ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है काफ़ी मतलब आई शेडो को सेफ रखने के लिए. और ये रहा बहुत ही प्यारा सा आई शेडो पैलेट और आप देख सकते हो काफ़ी कलरफुल है. इसमें काफ़ी तरह के आपको कलर्स अवेलेबल मिल जाते हैं और इसमें जो टोटल इसके कलर हैं वो है 35, मतलब एक रो में आपको 7 कलर मिलते हैं और ये 5 रो है. तो या बहुत ही मतलब ऑल टाइप के कलर इसमें है. ब्लू है, पिंक है, रेड है, येलो है और पर्पल है, ग्रीन है, ग्रे है. तो काफ़ी सारे आपको मतलब इससे तो बहुत सारे और अच्छे अच्छे लुक क्रिएट किए जा सकते हैं. इस पैलेट में कोई भी ग्लिटर शेड आपको नहीं मिलते हैं. सारे ही शेड इसमें कुछ शिमर हैं और कुछ मैट शेड हैं. मुझे ये पैलेट ओवरऑल बहुत अच्छा लगा. अगर आप मेकअप बिगनर हो या फिर आप प्रोफेशनली मेकअप करते हो तो आपको ये पैलेट ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसमें जो कलर आपको मिलते हैं बहुत ही अच्छे. कुछ पॉपअप कलर हैं, कुछ न्यूट्रल कलर हैं. तो सारे ही शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. और इस पैलेट के साथ मैंने अपना राखी मेकअप लुक शेयर किया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज यार देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी आपको. तो प्लीज चेकआउट जरूर कर लेना. नाउ मैं आपको कुछ शेड के स्वेचेस करके दिखाती हूँ. लाइक दिस, ये ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगा. ये काफी अच्छा वाला ब्लू कलर है और ये पर्पल कलर, देन ये ग्रीन कलर. सो आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है, कितनी ज़्यादा इसकी इंटेंस पिगमेंटेशन है. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. देन मैं आपको इसकी कुछ जो मैट शेड हैं उनके स्वेचेस करके दिखाती हूँ. लाइक दिस, ये ऑरेंज टाइप कलर और ये येलो कलर. येलो कलर ये काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट हो रहा है जो कि चलता है इतना. सो आप देख सकते हो दिस इज अ येलो कलर सी और ये रहा ऑरेंज. सो ओवरऑल मुझे ये पैलेट बहुत अच्छा लगा. ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट पैलेट बन चुका है. और दिस इज़ अ ड्यूप पैलेट, नॉट अ ओरिजिनल पैलेट. बट ड्यूप के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी, इसकी पिगमेंटेशन और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है यार. अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल परचेज कर सकते हो. इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था जस्ट 299 रुपीज में. तो आप देख सकते हो 299 रुपीज में आपको 35 शेड मिलते हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी मिलती है आपको. तो मुझे ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में पड़ा. जस्ट 299 रुपीज में आपको इतना बड़ा पैलेट मिल रहा है, 35 शेड्स मिल रहे हैं और 399 रुपीज का ये वेट एंड वाइल्ड का जो पैलेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10 शेड मिलते हैं. इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही अच्छा है और इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मुझे इसकी लगी. तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. और प्राइस भी आप देख सकते हो 399 रुपीज में आपको सिर्फ 10 शेड मिलते हैं और आपको 299 रुपीज में 35 शेड. तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इन दोनों में डिफरेंस है. सो आई लव दिस पैलेट. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा. और मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं फेक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ. मैं इसे यार पर्सनली खुद यूज कर रही हूँ तभी मैं आप सबके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा. सो आई होप आप सभी को मेरा ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लेना यार, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.